हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? बिल्कुल, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट होते हैं। एक है हार्ट, दूसरा है ब्लड और तीसरा है ब्लड वेसल। इन तीनों को मिला के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अब इसमें जो बेटा ब्लड होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक को प्लाज्मा कहा जाता है, दूसरे को फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उनमें तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक को हम आरबीसी कहते हैं, दूसरे को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, तीसरे को प्लेटलेट कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो फर्दर दो तरह की होती है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो तीन तरह की होती है, यूसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और जो ए ग्रेनुलोसाइट होती है वो दो तरह की होती है, जिन्हें कहा जाता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।